नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पांच देश रत्न मार्ग का बंगला और इसको लेकर जितनी विवाद थे उन विवादों के बीच आज सम्राट चौधरी ने इस बंगले में गृह प्रवेश कर लिया है। बता दें कि दशहरा के शुभ अवसर पर सम्राट चौधरी ने इस बंगले में गृह प्रवेश किया। हालांकि सम्राट चौधरी से पहले तेजस्वी यादव यहां पर रहा करते थे। काफी लंबे समय तक तेजस्वी यादव इस बंगले में रहे हैं और जब ये बंगला निर्माण हुआ था उस समय में, उसके बाद अगर जो उप मुख्यमंत्री में सबसे ज्यादा समय तक कोई रहा होगा तो वो तेजस्वी यादव है। इससे पहले सुशील कुमार मोदी जो कि डिप्टी सीएम भी रहे हैं बिहार के, इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद भी इस बंगले में रह चुके हैं। इस बंगले को लेकर के विवाद चल रहा था क्योंकि इस बंगले को खाली करने के लिए बार बार तेजस्वी यादव को कहा जा रहा था सत्ता से हटने के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव सत्ता से हटे तो उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को ये बंगला अलॉट हो गया था। अब उन्होंने इस बंगले में गृह प्रवेश कर लिया है और कई गेस्ट जो हैं बिहार सरकार में मंत्री विधायक नेता बीजेपी के वो पहुंच रहे हैं। और साफ तौर से हम आपको दिखाना चाहेंगे जो तस्वीरें हैं, फिलहाल ये तस्वीरें फिलहाल पांच देश और यहाँ पर उनके सम्राट चौधरी भी आ रहे हैं। ऐसे में सिंह नीतीश कुमार भी फिलहाल यहाँ पहुंचे और क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पांच देश रत्न मार्ग में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह प्रवेश कर लिया है और कई सारे अतिथि फिलहाल उनके आवास पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। बिहार से जो असुरी ताकत है उसको भगाना, असत्य पर सत्य की विजय कराना और बिहार में विकास की ओर ले जाना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे लिए घर कोई मायने नहीं रखता। तो देखिए सम्राट चौधरी जी, सम्राट जी लेकिन छोटा सा घर है लेकिन रहूंगा यहाँ पर, सरकारी कार्य जरूर। कई कहानी है इस घर की। ये सब पदाधिकारी देख रहे हैं, शीघ्र आपको कहानी है सर, इस घर की कई कहानी है। मैं स्पष्ट तौर पर यह समझता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दिया इससे ज्यादा शुभ, और विजयदशमी के दिन मैं यहाँ आया हूँ। जितने असत्य लोग हैं उस पर सत्य की विजय हो। जिंदगी भर हमने तो देखा नहीं कि क्या जो लोग आतंकवादी को साथ देते हैं और वही दूसरे को कहते हैं अपने दिल से जानिए पराया दिल का हाल। सर, अखिलेश जी ने कहा है कि समर्थन वापस ले लेना चाहिए एनडीए सरकार से दिल्ली में। किस बात पर? वो जेपी को माल्यार्पण नहीं करने दिया गया उनको यूपी में। जेपी के प्रेमी अखिलेश बाबू कब से हो गए? उनको बताना चाहता हूँ, उनके पिताजी इमरजेंसी में जेल में थे लोहियावादी रूप में, और बाद में क्या मुलायम सिंह, क्या अखिलेश यादव, ये सभी कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जिस कांग्रेस ने जेपी को जेल में बंद किया था, जिस कांग्रेस के अत्याचार के कारण जेपी का किडनी खराब हुआ, क्या बात करते हैं अखिलेश बाबू। इसलिए जवान हैं, थोड़ा इतिहास समझें और सीखें। हम लोग लड़े हैं उस अत्याचार से, जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, नीतीश बाबू भी गए हैं और लालू जी भी गए थे, लेकिन लालू जी तो पलटी मार गए। सरकार को अस्थिर करने की साजिश है क्या ये बयान? तमिलनाडु में सर जिस तरीके से ट्रेन, ओहो, अखिलेश के वक्तव्य का क्या असर पड़ता है? डिस्परेशन में है तो कुछ ना कुछ बोलते हैं। तमिलनाडु में भी ट्रेन, हाँ वो जांच हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करेंगे, जांच कसके उसको निर्देश दे दिया गया, मैंने मालूम किया है। धन्यवाद। उस कार्यक्रम में पूरा बिहार के लोग आए हैं, तो आगे बिहार बढ़े और आप सबके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, जिस तरीके से जो ट्रेन हादसा हुआ तमिलनाडु में उसको लेकर क्या, आज हम लोग थोड़ा शुभ शुभ बात करें तो अच्छा लगेगा। अखिलेश यादव ने जो बयान दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए से समर्थन वापस छोड़ देना चाहिए, वो उनका विचार है, वैसे ही बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोहिणी जी आपके क्षेत्र में जाकर के कह रही है नजर नहीं आ रहे लोगों से, आने दीजिए इसी बहाने आके, कम से कम हमको खोज तो रही हैं।
तो आती रहेंगी, खोजते रहेंगी, तो लोग उनके कम से कम उनके लोग उनसे तो कम से कम इसी बहाने हारे हुए लोग आते हैं तो अच्छा होता है क्षेत्र के लिए। स्थिति तो उनकी क्या है पूरे भारतवर्ष में, तीसरी बार हम सरकार में हैं, मजबूती से हैं, आगे भी क्या होने वाला है उनके साथ, हरियाणा में आप लोगों ने देख ही दिया, ये सब उन्हीं सब शब्दों का परिणाम है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।